लॉकडाउन के दौरान बाहरी राज्यों के श्रमिकों के पैदल ही जाने का सिलसिला कम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजस्थान परिवहन निगम की बसों में इन लोगों को निःशुल्क ही उनके गंतव्य तक छोड़ने की व्यवस्था की गई है। रविवार दोपहर तक 62 बसें यूपी बॉर्डर तक श्रमिकों को छोड़ चुकी है, वहीं अब 110 बसें और रवाना हो गई हैं। इसके साथ निजी बसें चलाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। यह निर्णय रविवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम जांगिड ने परिवहन विभाग के आयुक्त रवि जैन और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा के साथ हुई बैठक में लिया है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कोरोना को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। हालांकि लॉकडाउन के बाद में कई जो एक दूसरे राज्यों में जो रहने वाले हैं प्रवासी हैं, उनके बीच में समस्याएं खड़ी होगी। हालांकि अपने गंतव्य पहुंचने के लिए कुछ लोग बाहर पैदल ही निकल चुके हैं, अपने घरों की ओर निकलेंगे। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपना सामान लेके पैदल ही अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं ताकि वो अपने घरों पहुंचे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली और कल जयपुर में भी हालात ऐसे बिगड़े कि जैसे ही सूचनाएं मिली कि उनको बस के द्वारा पहुंचाया जाएगा उनके बॉर्डर तक, लेकिन उसके बाद में बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ा जयपुर में और दिल्ली में तो हालात